नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार को आज शताब्दी भवन की सौगात मिली है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के बगल में एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जिसका नाम शताब्दी भवन रखा गया है। इसका उद्घाटन देश के चीफ जस्टिस यानी कि शरद अरविंद बोबड़े के हाथों हुआ है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी वहां पर मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, नए भवन का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि बिहार को शताब्दी भवन की सौगात मिली है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CM और कानून मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। शताब्दी भवन में 43 कोर्ट रूम, 47 चैम्बर बनाए गए हैं। नए भवन में बेहतर बुनियादी ढांचा रखा गया है। हाईकोर्ट के पुराने भवन के ठीक बगल में इस नए भवन का निर्माण कराया गया है। हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का आज उद्घाटन किया गया है जिसमें कि 203 करोड़ की लागत लगी है, यानी कि 203 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया है। अब विस्तार से पूरी खबर जानिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने शनिवार को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। CJI ने रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही पट्टिका का भी अनावरण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ बिहार के CM नीतीश कुमार हैं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आपको नजर आ रहे होंगे। पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण कार्य किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज वहां पर उपस्थित हुए। पटना हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग से बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। नए भवन में 43 कोर्ट रूम, 57 चैम्बर्स हैं, 2 लाइब्रेरी और अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। 4 फरवरी 2014 को भवन का शिलान्यास हुआ था। CM नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी। 2 साल में इसका निर्माण होना था। 116 करोड़ की अनुमानित लागत थी, लेकिन 203 करोड़ की लागत से शताब्दी भवन का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज, न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल हुए। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और हाईकोर्ट के सभी जज वहां पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। तो पटना हाईकोर्ट के ठीक बगल में शताब्दी भवन का उद्घाटन हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े के हाथों में इसका उद्घाटन कराया गया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद भी वहां पर मौजूद रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।